अमेरिका ने बहुत से वॉर लड़े, कई जीते भी, और कई वॉर्स उसके गले की हड्डी बन गए जो ना तो उसे निगलते बन रहा था और ना ही उगलते। ऐसा ही युद्ध वियतनाम युद्ध था, जिसमें अमेरिका को अपने करीब 58,000 सैनिकों को खोना पड़ा। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। बात 19वीं सदी की है, जब वियतनाम और उसके पड़ोसी देशों पर फ्रांस का शासन था, जिसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कहा जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने भी वियतनाम पर बम बरसाए थे, क्योंकि वियतनाम मित्र राष्ट्रों का सहयोगी देश था। अब वियतनाम को दो बदले लेने थे, एक तो फ्रेंच गवर्नेंस का तख्ता पलट और जापान से बदला लेना। हालांकि वियतनाम जापान से तो बदला नहीं ले सका, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हुई और उसे वियतनाम ऑक्यूपाइड जमीन को छोड़ना पड़ा। अब बारी फ्रेंच शासन की समाप्ति की थी। जापान के हारने के बाद वियतनाम की सत्ता बाओ डाई नाम के एक व्यक्ति के हाथ में आ गई, जो मात्र एक फ्रांसीसी कठपुतली था। लेकिन हो ची मिन, जो वहां का स्थायी नेता था, उसने बाओ डाई का तख्ता पलट कर दिया, उसकी कैपिटल हनोई पर कब्जा कर लिया और उसका नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम रखा। इस बीच हो ची मिन के कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, जिससे शासन फिर से बाओ के हाथ में आ गया। वियतनाम में हो रहे इस सिविल वॉर को देखकर जुलाई 1954 को जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें यह कहा गया कि वियतनाम को दो भागों में बांट दिया जाए, और यह भी निर्णय लिया गया कि वियतनाम का एकीकरण 1956 में इलेक्शन के माध्यम से होंगे। फ्रेंड्स, यह घटना उस समय की थी जब अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर जोरों पर था, इसलिए इसमें इन दोनों का पार्टिसिपेशन तो तय ही था। रशिया ने नॉर्थ वियतनाम का पक्ष लिया और अमेरिका ने साउथ वियतनाम का पक्ष लिया। दोस्तों, इस कहानी ने नया मोड़ तो तब लिया जब 1963 में साउथ वियतनाम के लीडर डियन के जनरलों ने उससे बगावत कर ली, जिससे उसकी सरकार गिर गई। इसी बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई। इसी टाइम का फ़ायदा उठाकर नॉर्थ वियतनाम के सैनिकों ने टोकिन बंदरगाह में अमेरिका के दो जहाज़ों को बमों से उड़ा दिया। रोचक बात तो यह थी कि वियतनाम का छोटा सा पड़ोसी देश लाओस अपनी ज़मीन को उत्तरी वियतनाम की सेना को दे दी, जिसका यूज़ करके वे दक्षिणी वियतनाम पर हमला करते थे। गुस्से में आकर अमेरिका ने दोनों देशों पर हवाई हमले का प्लान बनाया और दोनों देशों पर करीब 260 मिलियन क्लस्टर बम गिराए, जो इराक पर दागे गए बमों से 210 मिलियन ज़्यादा थी। हमले में मारे गए आधे से ज़्यादा लोग लाओस के थे। फ्रेंड्स, अभी तक तो यह वार मात्र एक ट्रेलर था। वियतनाम की जनता अमेरिकी सेना को चुन चुन कर मारने लगी, क्योंकि जिनेवा कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग वियतनाम का इंटीग्रेशन होना था, और इस वादे से अमेरिका मुकर गया था, जिससे वहां के लोग भी विद्रोह पर उतर आए। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने बहुत से हवाई हमले किए, पर वियतनाम के घने जंगलों में इसका ज़्यादा प्रभाव ना पड़ा। ज़मीन पर अमेरिकी सेना का हौसला जवाब दे चुका था, इसलिए अमेरिका को अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। 1973 को अमेरिका और नॉर्थ वियतनाम के बीच एक संधि हुई, जिसमें वियतनाम का इंटीग्रेशन हो गया। इस युद्ध के असली हीरो हो ची मिन थे, जिन्हें अंकल हो के नाम से भी बुलाया जाता है। इन्हीं के नाम पर साइगोन शहर का नाम हो ची मिन कर दिया गया था। फ्रेंड्स, आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।